हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स नोट्स के साथ में। हम अपनी वेक्टर कैलकुलस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वीडियो में हम कर्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जनरली वो क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, या कहें उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम उन आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे जो आगे के क्वेश्चंस को एक एक दो दो लाइन में करवा सकें। तो ये 11 आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी आइडेंटिटीज याद होंगी तो एक क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से एक मिनट में कर पाएंगे। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखते हैं डाइवर्जेंस ए प्लस बी क्या होता है। डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी, इसी तरीके से कर्ल ए प्लस बी क्या होता है, कर्ल ए प्लस कर्ल बी। नेक्स्ट देखते हैं यदि ए क्या है, डिफरेंशियबल वेक्टर फंक्शन है और फाई डिफरेंशियबल स्केलर फंक्शन है, तो डाइवर्जेंस फाई ए का फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना पड़ेगा, ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ए। इसी तरीके से कर्ल फाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ए। देखिए ये वाला फॉर्मूला अक्सर इनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। कर्ल ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी माइनस के बी डाइवर्जेंस ए। ग्रेड ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है देखिए बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी। इसी तरीके से डाइवर्जेंस ग्रेड फाई का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर फाई। इसको हम कह भी सकते हैं, देखिए डाइवर्जेंस का मतलब हो गया डेल डॉट और ग्रेड फाई को हमने लिख दिया ग्रेड फाई। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है ए स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर फाई। तो यहां हमने कह दिया कि डाइवर्जेंस ग्रेड फाई का मान क्या हो गया, डेल स्क्वायर फाई। इसी तरीके से कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। देखिए कर्ल का मतलब डेल क्रॉस से होता है, ग्रेड फाई का मतलब डेल फाई हो गया। किसी भी वेक्टर का उस अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। इस तरीके से कर्ल ग्रेड फाई क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। डाइवर्जेंस कर ले डेल डॉट डेल क्रॉस ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्या हो, सेम हो, तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। डेल क्रॉस ए का मान हमें याद रखना पड़ेगा, डेल ब्रैकेट में डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मान लीजिए कोई फाई दे रखा है या कोई वैल्यू दे रखी है फाई की, और निकाल लीजिए कि भाई कर्ल ग्रेड फाई निकालना है, तो फाई तो कुछ भी हो, कर्ल ग्रेड फाई तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन उस वैल्यू को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यही हाल इसका है। इसमें तो खैर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का हाल यही है। यदि आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से याद होंगी तो बड़ी आसानी से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस फाई ए, कर्ल फाई ए, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस का कलेक्शन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, बाय बाय दोस्तों।